एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाइजिया और लुओ चैंग दोनों डीमन हंटर यू दाओ के पास जाकर फॉक्स डीमन को पकड़ने के लिए कहते हैं, जिस पर वो पहले तो इनकार करता है पर थोड़ा बहुत मार खाने के बाद मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बाइजिया सर्वेंट्स को सफाई करते हुए देखती है तो वो मेड से पूछती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेड उसे बताती है कि प्रिंस की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। थोड़े ही दिनों के बाद उनकी शादी है। इधर एल्डर प्रिंस और फॉक्स डीमन खुश थे क्योंकि उनका प्लान ये था कि फॉक्स डीमन लुओ चैंग को फर्स्ट नाइट पर ही मार डालेगी। इसके बाद एल्डर प्रिंस ही थ्रोन का मजबूत दावेदार बन जाएगा। उसके पास इंपीरियल आर्मी को कमांड करने वाला टाइगर टोकन आ जाएगा जिससे वो कई सालों से कैद अपनी मदर को भी छुड़ा लेगा। एक्चुअली उसकी मदर को किंग ने किसी गलती पर कैद कर रखा था जिन्हें वो छुड़ाना चाहता था, पर इससे पहले वो फॉक्स डीमन को ऑर्डर देता है कि वो पहले बाइजिया को खत्म कर दे। इस पर वो बाइजिया को एक सुनसान जगह मिलने के लिए बुलाती है पर यहाँ एल्डर प्रिंस के कहने पर डीमन हंटर यूदाओ उसे मार देता है। इतने में वहाँ जनरल ली आ गया था और वो समझता है कि बाइजिया ने ही उसकी बहन को मार डाला। इधर बटलर आकर लुओ चैंग को खबर करता है कि बाइजिया अकेले ही गोंगसुन से मिलने गई है। ये सुनकर लुओ चैंग घबरा कर उसके पास चला जाता है। जनरल ली बाइजिया को मारने के लिए जैसे ही वार करता है तभी वहाँ लुओ चैंग आकर उसे सेव करके अपने साथ वापस मैंसन ले आता है। इधर एल्डर प्रिंस इस बात से खुश था कि जनरल ली और लुओ चैंग अब दुश्मन बन जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काले नकाब में एक खबरी ये सारी बातें नेशनल टीचर को बताता है जिसके बदले वो उसे एंटीडॉट देता है। वो खबरी उसका एंटीडॉट लेकर वहाँ से चला जाता है। ये खबरी कौन था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इधर बाइजिया लुओ चैंग से माफी मांगती है क्योंकि जाने अनजाने उसने उसके लिए काफी अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। लुओ चैंग डिसाइड करता है कि वो शादी का प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेगा बल्कि उसे टाइम डेट पर बाइजिया से शादी करेगा। वो बाइजिया को भी इसके लिए एग्री कर लेता है। इधर जियाओजी को जब एल्डर प्रिंस से लुओ चैंग की शादी की खबर मिलती है तो वो सीक्रेटली बाइजिया के पास पहुंच जाती है और उसे उस सीक्रेट रूम में लेकर जाती है जहां लुओ चैंग ने सिंग जिंग की तस्वीर लगा रखी थी। वो उसे बताती है कि लुओ चैंग तुम्हें बस इसलिए इतनी अहमियत दे रहा है क्योंकि तुम्हारी शक्ल उसके पहले प्यार से मैच करती है। क्या तुम ये सब जानकर भी उसे शादी करना चाहती हो? इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी और बाइजिया सदमे में वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ लुओ चैंग आता है। वो वहाँ बाइजिया को देखकर हैरान था। बाइजिया काफी सैड थी। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे बटलर आकर बताता है कि पीजन डीमन बायू थर्ड प्रिंस के पास से चली गई है। लुओ चैंग ये बात बाइजिया को बताने जाता है जिस पर पहले तो बाइजिया दरवाजा नहीं खोल रही थी पर बायू का नाम सुनकर वो दरवाजा खोल देती है। लुओ चैंग उसे बायू के चले जाने का बताता है जिस पर बाइजिया उसे ढूंढने अपने मास्टर के घर जाती है जहाँ लकीली उसे बायू मिल गई थी पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ बायू उसे पूरी बात बताती है। एक्चुअली बायू को नेशनल टीचर ने पॉइजन दिया था जिसका एंटीडॉट देने के बदले वो उसे अपने काम करवाया करता था। नेशनल टीचर और थर्ड प्रिंस मिले हुए थे। उसे थर्ड प्रिंस से प्यार हो गया था पर ये उसकी गलत फहमी थी। थर्ड प्रिंस उसे बस प्यार का नाटक करके उसका यूज कर रहा था। सारी हकीकत जान लेने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उसे मारने ही वाली थी पर तभी वहाँ नेशनल टीचर आकर उस पर हमला कर देता है। वो जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलती है। अब एंटीडॉट ना लेने की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। यहाँ मरते मरते बायो उसे ये भी बताती है कि उसके मास्टर को नेशनल टीचर ने ही मारा है और उनकी सोल को भी कैद किया हुआ है। उनकी सोल देने के बदले ही उसने लुओ चैंग को मार कर उसे टाइगर टोकन लाने को कहा था जो कि वो नहीं कर सकी। वो बाइजिया से वादा लेती है कि ये काम वो करे और अपने मास्टर की सोल को आजाद करवाए। इतना कहकर वो दम तोड़ देती है। तभी बाहर नेशनल टीचर आ गया था। वो कहता है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि मैंने अपने बड़े भाई यानी कि तुम्हारे मास्टर को क्यों मार डाला? क्योंकि उसी ने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का कर लुओ चैंग के पास भेजा था। उसी की वजह से मेरी बेटी मारी गई। तुम्हारा और सिंग जिंग का फेस मैच करना कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि तुम सिंग जिंग की पेट रैबिट थी। उसकी मौत के बाद मेरे ब्रदर ने अपने कल्टीवेशन पावर से तुम्हें उसका रूप दे दिया। मैंने जब तुम्हें देखा तभी मैंने ये प्लान बना लिया था कि मैं कैसे भी करके तुम्हें लुओ चैंग के पास पहुँचाऊंगा और तुम बायू के पीछे पीछे वहाँ पहुँच भी गई। ये सारी बातें वहाँ इनविजिबली झाड़ियों में मौजूद लुओ चैंग भी सुन चुका था
बायजिया नेशनल टीचर पर वार करती है, पर वो उस वार से बचकर उसे उसके मास्टर की सोल को दिखाता है और कहता है कि अगर तुम अपने मास्टर की सोल को रिलीज करना चाहती हो तो 15 दिनों के अंदर लुओ चैंग को मारकर उसके पास से टाइगर टोकन ले आना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बायजिया भी मैंसन वापस आ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लुओ चैंग भी उसकी खामोशी से काफी ज्यादा परेशान था। एक शाम वो अपने स्वॉर्ड लाकर लुओ चैंग की गर्दन पर रख देती है। लुओ चैंग भी उसे नहीं रोकता। वो कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो, पर बायजिया उसे नहीं मार पाती और स्वॉर्ड वहीं फेंक कर चली जाती है। इसके बाद लुओ चैंग डिसाइड करता है कि वो खुद ही थर्ड प्रिंस और नेशनल टीचर के पास जाकर टाइगर टोकन के बदले बायजिया के मास्टर की सोल को ले आएगा। इधर बायजिया सैड होकर अपने घर में बैठी थी, तभी वहाँ बटर वांग आकर बताता है कि प्रिंस लुओ चैंग नेशनल टीचर और थर्ड प्रिंस से आपके मास्टर की सोल फ्री करवाने गए हैं। ये सुनकर बायजिया भी घबरा गई थी। बटलर बताता है कि आज से पहले प्रिंस को कभी किसी से इतना प्यार नहीं हुआ जितना वो आपसे करते हैं। सेंगजिंग उनसे प्यार करती थी पर वो उसे भी अपनी सिस्टर मानते थे। आपके लिए वो टाइगर टोकन उन्हें देने चले गए। इतने में जख्मी हालत में लुओ चैंग आता है और उसे उसके मास्टर की सोल देता है जिसे वो टाइगर टोकन के बदले ले आया था। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि टोकन और सोल को एक्सचेंज करने के बाद थर्ड प्रिंस उसे ऑफर करता है कि वो उसका साथ दे, जिस पर लुओ चैंग एग्री नहीं होता। जिसके बाद रास्ते में नेशनल टीचर उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो उसे अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था। उन दोनों में घमासान फाइट होती है जिस पर जख्मी होकर नेशनल टीचर वहाँ से चला जाता है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ बायजिया के मास्टर की सोल फ्री हो चुकी थी। वो बायजिया को रिवेंज लेने से मना करते हैं और कहते हैं कि मैं तो अब मर चुका हूँ, पर तुम अपनी आगे आने वाली जिंदगी खुशी खुशी गुजारो, मेरी फिक्र मत करो। इसी के साथ उनकी सोल गायब हो जाती है और बायजिया रोती ही रह गई थी। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।